नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड का इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ओएलई ऑप्शन सीखने वाले हैं। यह ऑप्शन 3 नाम से जाना जाता है। आप इसको इंसर्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं और ओएलई नाम से भी इसको जाना जाता है। यह ऑप्शन एमएस वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आप यदि एमएस वर्ड में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर आपको टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा देता है, आपको कोई शेप इंसर्ट करने की सुविधा देता है, पिक्चर इंसर्ट करने की सुविधा देता है, टेबल को इंसर्ट करने की सुविधा देता है। लेकिन यदि आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का डेटा, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट लाना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन के द्वारा, ओएलई ऑप्शन के द्वारा ला सकते हो। ओएलई एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई टेक्निक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ओएलई टेक्निक को बनाया है जो कि दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। यदि आप दो सॉफ्टवेयर को किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपस में लिंक करना चाहते हो तो आप ओएलई टेक्निक का यूज कर सकते हो। ओएलई टेक्निक को ऑब्जेक्ट ऑप्शन के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इस ओएलई टेक्निक को या ऑब्जेक्ट ऑप्शन को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के सीखने वाले हैं। यदि आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को किसी अदर सॉफ्टवेयर से लिंक करना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट या ओएलई टेक्निक का यूज कर सकते हो। पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ऑब्जेक्ट या ओएलई होता क्या है। एमएस वर्ड में अदर सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यह ऑप्शन दो सॉफ्टवेयर के बीच में लिंकिंग भी क्रिएट कर देता है जिसे OLE मतलब कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कहा जाता है। तो OLE या ऑब्जेक्ट ऑप्शन जो है वह दो सॉफ्टवेयर को किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपस में लिंक कर देता है और दोनों में एक लिंकिंग क्रिएट हो जाती है। आप उस ऑब्जेक्ट के द्वारा दोनों सॉफ्टवेयर में मूव भी हो सकते हैं, आप अपने कर्सर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में एक पेंट ब्रश की पिक्चर को इंसर्ट किया है। आप पेंट ब्रश की पिक्चर को एमएस वर्ड में नॉर्मल कॉपी पेस्ट के माध्यम से भी ला सकते हैं, लेकिन जब आप इस पिक्चर को नॉर्मल कॉपी पेस्ट के माध्यम से एमएस वर्ड में लेकर आएंगे तो आप इस पिक्चर से किसी प्रकार की लिंकिंग का यूज नहीं कर सकते। आप पिक्चर को डबल क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर पर क्लिक करके आप पेंट ब्रश में डायरेक्ट नहीं जा सकते। यदि आप इस पिक्चर को ऑब्जेक्ट ऑप्शन के द्वारा या ओएलई ऑप्शन के द्वारा लेकर आते हैं तो यह पिक्चर आपको यह सर्विस देगी कि जब आप पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में तो आप ऑटोमेटिक पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो जाएंगे और पिक्चर के बाहर क्लिक करेंगे तो आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं। मतलब आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में रहकर पेंट ब्रश की ड्रॉइंग कर सकते हैं, पेंट ब्रश के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी अदर सॉफ्टवेयर की भी लिंकिंग कर सकते हैं। तो यह होता है ऑब्जेक्ट ऑप्शन या ओएलई। इसको आप शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt N J से आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यह ऑप्शन हमें एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में इसको यूज करने की प्रोसेस क्या है, आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है और ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एमएस वर्ड में एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है जिसे हम ओएलई के नाम से भी जानते हैं। यह ऑप्शन दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सर्विस प्रोवाइड करता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt N J। अभी हमने इस ऑप्शन को थ्योरिकली समझा, इसकी शॉर्टकट की को समझा। अब चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर और इस ऑप्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम अपने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में आ गए हैं जहां पर हम किसी अदर सॉफ्टवेयर से लिंकिंग करने वाले हैं। अभी हम हैं तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में, लेकिन हम ओएलई ऑप्शन के द्वारा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से लिंक करने वाले हैं। तो ओएलई ऑप्शन या ऑब्जेक्ट ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। तो आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नाम से यह ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। आप इस ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन प्राप्त होते हैं। एक होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल,
यदि आप किसी दूसरी टेक्स्ट फाइल से टेक्स्ट को एमएस वर्ड में लाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड से, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये ऑप्शन केवल आपको टेक्स्ट को इंपोर्ट करने की, टेक्स्ट को लाने की सर्विस देगा। बट यदि आप चाहते हैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करके उसके ऑब्जेक्ट को एमएस वर्ड में लाना, तो आप सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट ऑप्शन का। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में मल्टीपल सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है। आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करके उस सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम पेंट ब्रश की पिक्चर को एमएस वर्ड में बनाना चाहते हैं, एमएस वर्ड में लाना चाहते हैं, तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे बिट मैप इमेज, क्योंकि पेंट ब्रश जो होता है वह बिट मैप इमेज क्रिएट करता है। तो हमने यहां से बिट मैप इमेज को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ ही समय में आपके कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया है, बिटमैप इमेज। तो एमएस वर्ड की लिंकिंग किस सॉफ्टवेयर से हो गई, पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर से। हमारा एमएस वर्ड तो ओपन है, साथ ही साथ हमारे सामने पेंट ब्रश भी ओपन होकर आ गया है। अब यदि हम पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर में कोई भी ड्राइंग करते हैं, कोई शेप बनाते हैं, तो वह ऑटोमेटिक हमारे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में इंसर्ट हो जाएगा। हमने पेंट ब्रश में एक ड्रॉइंग करी है और पेंट ब्रश को क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं वह ड्रॉइंग हमें कहां इंसर्ट होकर मिल गई है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में। और इसकी एक खास बात यह भी है कि जैसे ही आप इस पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप फिर से पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। आप यदि यहां पर कोई एडिटिंग करते हैं, आप कोई यहां पर चेंजेस करते हैं, पेंट ब्रश को बंद करते हैं, तो वह चेंजेस एमएस वर्ड में भी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। यदि आप इस ड्रॉइंग के बाहर, पिक्चर के बाहर क्लिक करेंगे, तो आपका एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर वर्क करेगा जहां पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे, तो आप किस सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो जाएंगे, पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर में। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन ने हमें दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सर्विस प्रोवाइड करी। इसे ही बोला जाता है OLE, मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर और पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर आपस में लिंक हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अभी हमने पेंट ब्रश से लिंकिंग करी थी, अब हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से लिंकिंग करके देखते हैं। इस ड्रॉइंग को डिलीट कर देते हैं, हम फिर से इंसर्ट टैब पर जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब हम एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट को एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में लाना चाहते हैं, तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमारे सामने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है और हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप एमएस वर्ड में रहकर एक्सेल की वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, एक्सेल के सारे फॉर्मूला फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड के पेज पर एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट होकर आ गई है। यदि आप सीट पर क्लिक करेंगे, तो आप एक्सेल सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, और सीट के बाहर डबल क्लिक करेंगे, तो आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में ही आपको एक्सेल की वर्कशीट यूज करने की सर्विस प्रोवाइड की जाती है OLE के द्वारा। आप वर्कशीट पर डबल क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको एक्सेल के फीचर प्रोवाइड किए जाएंगे, और यदि आप वर्कशीट के बाहर डबल क्लिक करेंगे, तो आप एमएस वर्ड के फीचर यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट या OLE, जो आपको दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।